नमस्कार, मेरा नाम है अवंती महेश गौरी और आप देख रहे हैं विश्व शांति दर्शन चैनल। विश्वधर्मी प्रोफेसर डॉक्टर विश्वनाथ दा कराड़ सर से प्रेरित अध्यात्म और विज्ञान का ये अनोखा मिलाप आप इस चैनल के माध्यम से देखते आ रहे हैं। चलिए देखते हैं अच्छी और सकारात्मक खबरें, लेकिन उससे पहले आज के सुर्खियाँ। गढ़चिरौली में शुरू हुई विज्ञान से जोड़ने वाली बस, तोते करेंगे वीडियो कॉल, देश की पहली वाटर मेट्रो, विश्व की सबसे लंबी श्रीमद् भगवद गीता, किसानों की मदद के लिए बना ये छोटा ट्रैक्टर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने गढ़चिरौली में शुरू की एक ऐसी बस जो बच्चों को विज्ञान से जोड़ती है। इस मिशन का नाम है मोबाइल साइंस लैबोरेटरी। आइए देखते हैं ये पूरी खबर। महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने 24 डेवलपमेंट के लिए एक प्रोजेक्ट शुरू किया है। प्रोजेक्ट का नाम है मोबाइल साइंस लैबोरेटरी। यह गढ़चिरौली में शुरू हुआ है। 26 अप्रैल को इसकी शुरुआत हुई। यह प्रोजेक्ट केवल बच्चों के डेवलपमेंट के लिए है। इसे केवल 16 आश्रम स्कूल के लिए शुरू किया है। लैबोरेटरी एक स्कूल से दूसरे स्कूल में होगी ताकि बच्चे प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें। मोबाइल साइंस लैबोरेटरी एक छोटा सा प्रोजेक्ट है जिससे ट्राइबल बच्चे विज्ञान के और करीब आ पाए। ट्राइबल इंटीग्रेट के डायरेक्टर शुभम गुप्ता ने कहा, हम चाहते हैं कि यह बच्चे विज्ञान के करीब आए। हमारे लिए ऐसा संभव नहीं था कि हम हर स्कूल में जाके लैब खोल सकें, इसलिए हमने ऐसी बस बनाई है और अब तक 16 स्कूल में हम यह प्रयोग कर चुके हैं। हमारी तरह ही पक्षियों को भी अपने लोगों से जुड़े रहना अच्छा लगता है। यह देखकर एक साइंटिस्ट ने पक्षियों को किया वीडियो कॉल के लिए ट्रेन। आइए देखते हैं ये पूरी खबर। हम सभी को अपने लोगों से वीडियो कॉल या चैट पर बात करना बहुत पसंद है और ऐसा ही होता होगा पशु और पक्षी के साथ। एक साइंटिस्ट ने चिड़ियों के सोशल डायनामिक्स के बारे में बताया कि पशु पक्षियों को भी लोगों से बातचीत करना पसंद है और इसीलिए उन्होंने तोते को फिलहाल वीडियो कॉलिंग के लिए ट्रेन किया है। एक ऐसा ही वीडियो इंटरैक्शन पर वायरल गया है जिसमें एक तोता दूसरे तोते से वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं। इस वीडियो के अंत में हमें इस प्रयोग के फायदों के बारे में बताया गया है। वीडियो में कहा गया है कि कैसे हमें तोते के हाई कॉग्निटिव सोशल एंड इमोशनल नीड्स के बारे में पता होना चाहिए, खासकर उन पक्षियों के लिए जो पर्यावरण से वंचित रहते हैं। इस प्रयोग को करने के पीछे का कारण था कि साइंटिस्ट जानना चाहते थे कि इंसानों और पशु पक्षियों में इमोशनल बैलेंस कितना होता है जब वह वीडियो इंटरैक्शन करते हैं। साइंटिस्ट ने यह प्रयोग एक तोते से दूसरे तोते के बीच करवाया। इस प्रयास के दौरान कुल 18 पक्षियों को वीडियो कॉलिंग के लिए सिखाया गया, जिसमें से कुछ पक्षी इस प्रक्रिया को लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है और कुछ पक्षियों ने उड़ना या फिर खाना खाना ऐसी चीज़ें भी सीखी। केरल में शुरू हुई देश की पहली वाटर मेट्रो, केरल के लोगों की कम हुई परेशानी। आइए देखते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने केरल के कोची में भारत की पहली वाटर मेट्रो शुरू की है। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, कोची को भारत के पहले वाटर मेट्रो की सौगात मिली है। नरेंद्र मोदी जी ने फाउंडेशन के बारे में बताया, इस विकास की एक सीढ़ी बताया है। यह वाटर मेट्रो बहुत अहम भूमिका निभा सकती है। मेट्रो की शुरुआत फिलहाल 8 वाटर मेट्रो से की गई है। आने वाले दिनों में 78 मेट्रो हो जाएंगे। इस मेट्रो का समय सुबह 7 बजे से रात 8 बजे तक रहेगा। इस प्रोजेक्ट की विशेषता यह है कि यह मेड इन इंडिया है। विश्व की सबसे बड़ी श्रीमद् भगवद गीता, आप भी उत्सुक है ना? आइए जानते हैं। मदन मोहन वत्स का जैसा नाम है उनका शौक भी ऐसा ही निराला है। पेशे पर वकील वत्स का कहना है कि उन्होंने एक रिकॉर्ड बनाया है। अधिवक्ता ने दावा किया है कि उन्होंने विश्व की सबसे लंबी श्रीमद् भगवद गीता लिखी है। उन्होंने 905 घंटे में 1000 मीटर लंबी कैसेट रील पर श्रीमद् भगवद गीता का दावा किया है। इस काम को पूरा करने के लिए उन्होंने 10 VH कैसेट का प्रयोग किया है। उन्होंने यहाँ भगवद गीता 125T 90 VHM 15 mm चौड़ी 510 ग्राम रिबन पर एक्रोलिक पेंट से लिखी है। किसानों की मदद के लिए कनक, जो सिर्फ 10वीं पास है, उसने बनाया 40,000 का सस्ता ट्रैक्टर। आसाम के कनक गोगोई ने बनाया है ये छोटा और किफायती ट्रैक्टर। बेरोजगार युवाओं को भी ये ट्रैक्टर खेत से जोड़े रखता है।
कनक को उनकी ग्रेविटी ऑपरेटेड साइकिल के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार भी मिला है। कनक गोगोई पिछले 2 दशकों से भी ज्यादा समय से लोगों की जिंदगी आसान बनाते आ रहे हैं, इनोवेशन कर रहे हैं। उनकी कोशिश रहती है कि वह लोगों की समस्याओं कम कर सकें। हाल ही में उन्होंने एक कम लागत वाला ट्रैक्टर बनाया है। गोगोई को उनके कई आविष्कारों के लिए सम्मानित भी किया गया है। हर पिता की तरह उनके पिता भी चाहते थे कि वह पढ़ लिख कर अच्छी नौकरी करें, इसलिए उनको एक नौकरी भी मिली जल विभाग में। वहां से उनका मशीनों के लिए प्यार फिर से जागरूक हुआ। पिछले 2 दशकों में उन्होंने 10 से भी ज्यादा इनोवेशन किए हैं। आज के न्यूज मैगजीन में यही रुकते हैं। देखते रहिए विश्व शांति दर्शन चैनल। धन्यवाद।